सर, आपका क्वेश्चन था कि हाउ मच वाइब्रेशन इज़ टू मच, कि अगर मैं गया हूँ मशीन पे और मैंने वाइब्रेशन मेजर किया है, मेरे पास वाइब्रेशन वैल्यू 7 mm/s आई है, तो क्या ये कितनी वाइब्रेशन है, ये क्या अलर्ट में है, डेंजर में है, एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल नहीं है? तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हाउ मच वाइब्रेशन इज़ टू मच के लिए, उसमें सबसे पहले आपने जो रिकमेंडेशन होती है कि आपने OEM को फॉलो करना है। लेट्स से अगर आपको OEM जो है, आपने एक कंप्रेसर परचेज किया या आपके पास कंप्रेसर है, तो उसका OEM आपको बताएगा कि व्हाट आर द एक्सेप्टेबल वाइब्रेशन लिमिट्स फॉर दिस मशीन, तो आपने उसको फॉलो करना है, OEM की जो रिकमेंडेशंस हैं। अगर आपका OEM साइलेंट है, OEM आपको कुछ नहीं बता रहा, तो सेकंड आपको ऑप्शन ये होता है कि आप ISO को फॉलो करें। तो ISO की जो गाइडलाइंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली देखें कि आपकी जो मशीन है वो ISO की कौन सी मशीन क्लास में लाया कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप ISO स्टैंडर्ड को फॉलो करें। और ISO स्टैंडर्ड को फॉलो करके आप एक हिस्ट्री डेवलप करें। सबसे पहले OEM को फॉलो करें, अगर OEM साइलेंट है तो आप ISO को फॉलो करें। ISO को फॉलो करने के साथ साथ जैसे आप डाटा लेंगे तो आपके पास हिस्ट्री डेवलप हो जाएगी। लेट्स अगर आप एक नया कंडीशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जो शुरू में डाटा है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मंथली वाइब्रेशन डाटा, आप वीकली वाइब्रेशन डाटा लें मशीन्स का। वीकली वाइब्रेशन डाटा लेंगे तो क्या होगा कि पहले 3 महीने में आपके पास 12 रीडिंग्स आ जाएंगी। तो 12 रीडिंग्स अगर आपके पास आ जाएंगी तो आपके पास एक ट्रेंड डेवलप हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपका है वो आपकी ट्रेंडिंग है। तो जब आपके पास 12 रीडिंग्स का ट्रेंड डेवलप हो जाएगा, इट मींस कि अब आप इसको फॉलो करेंगे, इस ट्रेंड को, और इस ट्रेंड की बेस पे आप अलार्म सेट करेंगे। लेट्स से आपकी वाइब्रेशन 4 mm/s आ रही है पिछले 3 माह से, 12 रीडिंग्स हैं और 12 रीडिंग 4 mm/s से एक्सीड नहीं कर रहे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप 6 mm/s पे अलर्ट कर देंगे और 8 mm या 9 mm/s पे आप डेंजर डिक्लेयर कर देंगे। तो फर्स्ट आपने OEM को फॉलो करना है, सेकंड आपने ISO को फॉलो करना है, थर्ड आपने फिर ट्रेंड को फॉलो करना है। जब आपके पास हिस्ट्री डेवलप हो जाएगी, ट्रेंड डेवलप हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने उस ट्रेंड की बेस पे अलार्म सेटिंग करनी है।